हेलो दोस्तों, आज जानेंगे मृदा पेंसिल या 60 साला पेंसिल ऑनलाइन कैसे करते हैं। हम खोलेंगे ब्राउजर, उसमें क्या टाइप करेंगे, पेंसिल फर्स्ट वाले लिंक पे ऑफ करेंगे, ओल्ड एज पेंसिल। यहाँ से हम तीनों प्रकार की पेंसिल ऑनलाइन कर सकते हैं, मृदा पेंसिल, विधवा पेंसिल और दिव्यांग या विकलांग पेंसिल। हमें करना है मृदा पेंसिल ऑनलाइन आवेदन, ओके करेंगे, फिर ऑनलाइन आवेदन पे करेंगे क्लिक। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे अपना, यहाँ से ग्रामीण या नगरीय जो भी हो ग्रामीण करने हमें, यहाँ से तहसील करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से ग्राम पंचायत, यहाँ से ग्राम पंचायत, यहाँ से नाम, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से नाम, फिर जो भी हो पिता का नाम उनका, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मोबाइल नंबर, यहाँ से एड्रेस, यहाँ से बैंक का नाम, यहाँ ब्रांच नेम, यहाँ अकाउंट नेम, यहाँ IFSC कोड, यहाँ तहसील जो आवेदन संख्या डालेंगे, तहसील का जो आवेदन संख्या, यहाँ तहसील क्रमांक संख्या, इनकम सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ फ़ोटो लगाएंगे, याद रखना 20 KB से फ़ोटो कम होना चाहिए आवेदन का। यहाँ अपने आधार कार्ड का PDF डालेंगे, जो भी एज की प्रूफ लगाएंगे वो भी हमें 200 KB से कम होना चाहिए, PDF होना चाहिए याद रखने की बात ये। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मैं भर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको, अपना भर लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने भर लिया, हम करूँगा सबमिट। सबमिट करने के बाद में दिखा रहा है फोटो हैज बीन 20 KB, मतलब फ़ोटो मेरा ज़्यादा, मैंने छोटा किया साइज, फिर ओके करता हूँ मैं लगाने के बाद। ओके ओके, अब मेरा हो गया पंजीकरण, हो गया पहला स्टेप पूरा हो गया, फार्म सफलता पूर्व भर चुका जगह आपका पंजीकरण संख्या जो है ये नोट कर लो या कॉपी कर लो, इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ करना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे आवेदन पे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी पेंसिल आपका ओल्ड एज वाला, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो मिला, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी नंबर डाला उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ दर्ज करना है। अब सेंड OTP करेंगे, सेंड OTP, यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, OTP हमने भेज दी गई है मोबाइल नंबर पर, OTP एंटर करते हैं हम। मेरा OTP नहीं आ रहा है, वेट कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, इसका OTP कभी कभी लेट आता है। आ गया, देखें डालता हूँ OTP अपना, कैप्चा चेंज करेंगे, ओके लॉगिन पे करेंगे, मेरा लॉगिन हो गया, फर्स्ट स्टेप दिखा रहा है। उसके बाद हम एडिट लॉक पे जाएंगे, एडिट लॉक एडिट करेंगे फॉर्म को, अगर कोई फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो जैसे कुछ रह गया, छूट गया, मिस्टेक हो गई तो अभी संशोधन हो सकता है। अगर हमारा फॉर्म सही तरह से भरा है तो हमें यहाँ से कैप्चर डालने के बाद अपडेट डिटेल्स पे कर देंगे, एक बार अकाउंट नंबर देख लेंगे, दोबारा एंटर करने पड़ता है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर डालते हैं हम, दोबारा एंटर करते हैं। ध्यान रहे इस फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए, फिर हम करते हैं, हमारा लॉक हो गया फॉर्म, ये आ रहा है सक्सेसफुली फाइनली सबमिटेड, ओके ओके। अब हम करेंगे आधार कार्ड ऑथराइज, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल दूँगा, यहाँ रहे फॉर्म सही से भरना है, यहाँ कैप्चा और जो भी जानकारी आधार कार्ड पे वही फिल करना है, अदरवाइज कोई भी नहीं करना है इसमें फॉर्म में। हम करेंगे ओके, क्लिक फॉर आधार कार्ड ऑथराइज करेंगे, यहाँ बता रहे सर्वर एरो, फिर से हम प्रयास करेंगे
थोड़ा सा सर्वर नेक डाउन रहता है इसका। हो गया मेरा, अब इसे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। मेरा हो गया, प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ से प्रिंट आउट लेते हैं हम। प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे, हमारा फॉर्म भर गया है। सफलतापूर्वक भर गया है। प्रिंट आउट करते हैं यहाँ से, आधार कार्ड के जरिए हो गया हमारा सक्सेस। आधार कार्ड ऑथराइज दिखा रहा है, प्रोसेस फाइनल सबमिट हो गया हमारा। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन कर देंगे, पीडीएफ बना लेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए नमस्कार।